स्वतंत्रता सेनानी सह पूर्व मंत्री स्वर्गीय लैटन चौधरी की मनी पुण्यतिथि। सदर बाजार के पब्लिक लाइब्रेरी में स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय लैटन चौधरी की 16वीं पुण्यतिथि मनाई गई। मालूम हो कि स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय लैटन चौधरी विचार मंच के तत्वावधान में पब्लिक लाइब्रेरी एंड क्लब में आयोजित पुण्यतिथि समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और स्थानीय सांसद दिलेश्वर कामत भी शामिल हुए। इस दौरान स्वर्गीय चौधरी के तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें याद किया गया। तत्पश्चात स्वर्गीय चौधरी के विचार को आत्मसात किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि वे एक प्रखर स्वतंत्रता सेनानी के साथ एक सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी पुरुष भी थे। वे सदा आम लोगों की भलाई के लिए अपने कार्यकाल को समर्पित किया। वक्ताओं ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे 1952 में पहली बार विधायक चुने गए, जिसके बाद वे लगातार 1959 से 1990 तक मंत्रिमंडल में रहकर प्रदेश के लोगों की सेवा की, मंत्री भी बने। प्रवक्ताओं ने कहा कि वे सदा लोगों की भलाई के लिए ही सोचते थे। यही कारण है कि आज भी उनके परिवार के लोग बहुत बड़े ओहदे पर नहीं पहुंच पाए हैं। जबकि पहली बार सुपौल में आयोजित इस पुण्यतिथि समारोह के आयोजन के लिए मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने आयोजक को बधाई दी और कहा कि हर वर्ष इस तरह का आयोजन होना चाहिए, क्योंकि स्वर्गीय चौधरी जी सिर्फ सुपौल के लोगों के लिए ही नहीं, प्रदेश और देश स्तर पर लोग उन्हें मानते थे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने पुण्य तिथि समारोह में भाग लेकर उनके तस्वीर पर फूलमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सुपौल बिहार से आज़ाद के साथ नजीब आलम की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। मनाई गई है जो इसके सच्चे हकदार थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, भूतपूर्व मंत्री कम मायने रखता है एक स्वतंत्रता सेनानी के नाते, और एक ईमानदार कवि, कुशल प्रशासक, ये तमाम गुण जो आज के राजनेताओं में दुर्लभ पाए जाते हैं, तमाम लोगों ने तहे दिल से उनके श्रद्धांजलि सभा में। देश के तो नायक सुपौल के साथ साथ पूरे हमारे प्रदेश और देश के नायक थे, और उन्होंने स्वतंत्रता दिलाने में जो अपना सहयोग किया वह याद करने लायक है। उन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाने में अपना बहुत योगदान दिया, और जब देश स्वतंत्र हुआ तो सुपौल से पहला वो विधायक बन के गए 1952 में, और लगातार 1969 से लेकर 1990 तक वे बराबर मंत्रिमंडल में रह करके इस प्रदेश की सेवा किए हैं। उन्होंने हमारे इस क्षेत्र के लिए जो काम किया है वह आपसे छिपा हुआ नहीं है, और उनकी सबसे बड़ी विशेषता बहुत बड़े ईमानदार थे, कर्तव्यनिष्ठ थे, और आज जो 5 साल MLA 10 साल होता है उसकी स्थिति देखिए, और इतने वर्ष तक वे मंत्री थे, वो न अपने परिवार के लिए किया, न अपने घर के लिए किया, न अपने के लिए किया, वो किया केवल समाज के लिए, अपने इस प्रदेश के लिए, राष्ट्र के लिए उन्होंने काम किया। उसको सारे लोग नमन करते हैं। नमन करने के लिए उनकी जो उन्होंने जो काम किया है उसको याद करने के लिए हम लोग यह पुण्यतिथि मना रहे हैं, और यह पुण्यतिथि के साथ साथ जन्मतिथि हम लोगों ने ये पहली बार हम लोगों ने इसका आयोजन किया है। भगवान जी को इसके लिए बधाई है। मैंने जैसा जिक्र किया कि इससे नई पीढ़ी को एक प्रेरणा मिलती। हमारे यहाँ भी ऐसे पुरुष थे जिन्होंने गरीबी में भी पैदा होकर के इस देश के लिए समाज को इतना बड़ा काम किया, उसको प्रेरित करेगा, यही महत्वपूर्ण।